कोई व्यक्ति का हम निंदा करते हैं ना, तो उसका पाप हमारे माथे चढ़ता चले जाता है। निंदा करने वाला, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक राजा को एक बीमारी लग गई, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, बड़ी भयंकर बीमारी, गल गल कर शरीर नीचे गिर रहा था। राजा ने सारे वेदों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राजा का शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में राजा ने विचार कर, अब करूं तो करूं क्या, गुरु जी के पास गया। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक रोग लग गया, शरीर टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है। गुरुदेव, मेरा शरीर गल रहा है। गुरु जी, आप बताओ, कुछ अच्छा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा, राजन, तेरा शरीर गिर रहा, हाँ, टपक रहा, हाँ, शरीर गल रहा, हाँ। राजन, तेरा भाई था ना, वो तो मर गया, भाभी कहाँ है, घर में। राजन, एक काम कर, जहां जिस कक्ष में तेरी भाभी सोती है, उस कक्ष के बाहर रात्रि के समय पर जाकर दरी बिछाकर सोना चालू कर दे। किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, किसी से कुछ कहना मती, बस भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोना चालू कर दे। ठीक है महाराज, इससे अच्छा हो जाऊंगा? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जा सो। अब गुरु जो बताता है बड़ा विचित्र बताता है। दुनिया के लोगों को भले लगता है, क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शहद चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या चावल का दाना चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी के मंदिर में सफाई करने से, शिव जी के मंदिर को धो देने से, शंकर के मंदिर को साफ कर देने से क्या हमारी बीमारी समाप्त हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर गुरु कह रहा है तो समझो, क्यों नहीं हो सकती? जाओ, जाओ। भाभी के कमरे के बाहर राजा सोने लगा। 15 दिन निकले, 16वें दिन एक दासी ने, एक नौकरानी ने, एक सेविका ने देख लिया। उसने दूसरी दासी से कहा, वो राजा कितना खोड़ला है, भाभी के कमरे में जाके सोता है बेचारे, उसका पति मर गया, उसके कमरे में जाकर सोता है, भाई मर गया और राजा भाभी के कमरे में जाकर सो रहा है। एक दासी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, बात पूरे नगर में फैल गई। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे, कोसने लगे, खूब अपशब्द कहने लगे। राजा धीरे 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 धीरे, राजा का शरीर अच्छा होते चले गया, राजा का शरीर ठीक होते होते चला गया। राजा एक नारियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, किसी वेद की औषधि नहीं लगी, केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मेरी बीमारी ठीक हो गई? कैसे हो गई? गुरु जी ने कहा, राजा, तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाना प्रारंभ करी, तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। दुनिया के लोगों ने जब तुझे गाली देना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, बुराई करना चालू करा, निंदा करना चालू करा, तो तेरा रोग, तेरी बीमारी अपने आप समाप्त हो गई। तेरा रोग मिट गया, तेरी बीमारी समाप्त। तुम देखना, अपने अपने घरों में देखना, बहू का घुटना दुखे, बहू की कमर दुखे, बहू की पीठ दुखे, बहू का सिर दुखे, बहू का हाथ दुखे, बहू का पांव दुखे, और 70 साल 80 साल की डोकरी का कुछ नहीं दुखे। वो बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं दुखता, वो माता का कुछ नहीं दुखता। कारण क्या है? कभी तुमने सोचा? अरे ओ बदनावर वालो, कभी विचार करा कि सास का कुछ नहीं दुखता? सुबह 4 बजे 5 बजे उठती, झाड़ू लगा लेती,
दांत अभी तक जोरदार, चना भी खा जाती और तू देखे तो दो तीन बार तो कुल्ला करके आती, आंखें इतनी बढ़िया कि अभी भी सुई में धागा पिरो ले और तू सुई में धागा पिरोए तो दो बार चश्मा को उतार के साफ करके फिर चढ़ा ले। कभी विचार करा? सुबेरे 4 बजे से घर की बुजुर्ग मां काम में लग जाती है, 4 बजे से गोबर झाड़ू बर्तन ये वो करते 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 सुबेरे जल्दी नहा नुहा के मंदिर जाके फिर आके काम में लग जाए, रात को सोते सोते तक भी कोई काम बता दे तो वो काम कर दे, मेहमान आए पानी पिला दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, खिला खिलू के नची थी। और तेरे शरीर में कष्ट, बहू का हाथ दुखे, पांव दुखे, सिर दुखे, कमर दुखे, कभी विचार करा कि बूढ़ी माँ को कुछ नहीं होता और तुझे क्यों होता? उसका कारण केवल एक ही है, घर की बहू मायके में जाकर सास की इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती कि सास एकदम जोरदार होती चली जाती है। सास बीमारी नहीं होती क्योंकि बुराई करते 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 उसके पूरे रोग पूरी बीमारी समाप्त। इसलिए सास होन आज भी एकदम ओल्ड इज गोल्ड, आज भी जोरदार। अब मेरा बहुओं से निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई बिल्कुल मत करो। तुम जितनी जितनी बुराई करोगे ना, सास उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के हार मार पहन के झामर झुमका पहन के चलेगी। और तुम बुराई करना बंद कर दोगे तो सास भी धीरे 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 फिर पलंग पे मिलेगी।